Redmi A1 Plus, Redmi A2 और Redmi A2 Plus, ये दो से चार फोन ऐसे हैं जो मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट हो या फिर ऑफलाइन मार्केट हो, बहुत ज़्यादा तहलका मचा रहे हैं और पब्लिक के बीच काफ़ी डिमांड बढ़ रही है इनकी। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहे हैं ये कंपनी दे रही है, ये फ़ोन दे रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा इसे हमें परचेस करना चाहिए, इसलिए मैंने Redmi A2 को यानी इस फ़ोन को मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के लिए परचेस किया है और दो महीने से मैं और मेरी फैमिली इसे यूज़ कर रही है और इस पर मैं नज़र रखे हुए हूँ कि क्या क्या कमी इस फ़ोन में दो महीने में आई है, क्या क्या कमी नहीं है इस फ़ोन में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक, आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न, सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा इस A2 को लेकर कि किन किन वजह से आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए और ऐसी क्या कमी है जिनकी वजह से आपको ये फ़ोन रिजेक्ट करना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, ये है Redmi A2 का फर्स्ट लुक जिसे मैंने परचेस किया था। काफ़ी प्यारा, स्लिम ट्रिम और लाइट वेट फ़ोन है, देखने में भी काफ़ी यूनिक है, हैंडी है और इसका जो कलर है ग्रीन सिया है और इसका जो पीछे का बैक पैनल है लेदर फिनिश पर है और आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड तो यहाँ पर सिम टूल किट दी हुई है जिसमें डुअल नैनो सिम और साथ में एक मेमोरी कार्ड लगता है। ऊपर साइड यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी हुई है, साइड में ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है और उसी के ऊपर वॉल्यूम की रॉकर दिए हुए हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक माइक दिया हुआ है, चार्जिंग पोल दिया हुआ है और 3.5 mm का एक जैक दिया हुआ है। इसके पीछे अगर हम देखते हैं डुअल कैमरा दिया हुआ है और डुअल फ्लैश दिया हुआ है। ये इसके एक्सटर्नल पार्ट हो गए जो इसमें फीचर्स हैं। अब इंटरनल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो G36 प्रोसेसर दिया हुआ है जो फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी वेल गुड और स्मूथ और फास्ट बना देता है जिससे आपको गेमिंग खेलने में और मल्टीटास्किंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों, इस फोन में दो वेरियंट अवेलेबल हैं, 2/32, 4/64 वाला। मेरे पास जो वेरियंट है 4/64 वाला है। इसमें आप 3 GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं यानी 4+3 यानी up to 7 GB तक इसमें रैम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये फीचर इसमें नया दिया हुआ है दोस्तों। साथ में इसका जो डिस्प्ले साइज है 16.56 cm HD+ इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है जिसका रेजोल्यूशन नॉर्मल फोन से काफ़ी बेहतर होता है। 5000 mAh बैटरी के साथ ये फोन दोस्तों आता है। 10 W का इसमें चार्जर दिया रहता है। क्लीन एंड्रॉयड 13 पर ये पूरा फोन बेस्ड है जिसकी स्मूथनेस ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी यूनिक है। 8 MP का इसमें AI का बैक कैमरा दिया हुआ है और 2 MP का डेप कैमरा दिया हुआ है। 5 MP का फ्रंट कैमरा है। साथ में 2 साल गारंटी के साथ ये फ़ोन आपको मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इस फोन में दिए हुए हैं दोस्तों। मैं आपको ट्रूली 100% रिव्यू दूंगा, रिजल्ट बताऊंगा ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। 2 से 3 पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर फ़ोन की ओवरऑल लुक की, परफॉर्मेंस की और थिकनेस की बात करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतर साबित होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की तो बहुत तगड़ा 5000 mAh की बैटरी दोस्तों दी हुई है। ये आज के टाइम की जनरेशन का बेहतरीन फ़ोन है, आपको इससे बिल्कुल प्रिफर करना चाहिए। एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट आपको ये निकल के आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके स्पीड की, परफॉर्मेंस की। दोस्तों, इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस जो इसमें एंड्रॉयड दिया हुआ है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी फास्ट वर्क करता है, कहीं से भी ये हैंग नहीं करता है। 2 महीने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलता है दोस्तों। दोस्तों, इस फोन में एक फीचर बहुत तगड़ा है जिसमें आपको ये फोन ले सकते हैं। जी हाँ, 2 साल की पूरी वारंटी इस फोन में दी हुई है यानी 2 साल तक रगड़ के आप चलाइए तब भी दिक्कत हो तो आप उसमें सर्विस सेंटर में जाके आप दिखा सकते हैं। हर फोनों में एक 1 ईयर की वारंटी होती है बट इस फोन में 2 ईयर की वारंटी मिलती है, इस वजह से ये फोन भी आपको प्रेफर करना चाहिए। अब मैं इसमें फॉल्ट की बात करता हूँ, क्या फॉल्ट इस फोन में है, किस लिए ये फोन नहीं लेना चाहिए। अगर ये फीचर इसमें होता तो आपके लिए फोन बेहतर साबित होता। दोस्तों, इसमें टाइप सी चार्जर नहीं दिया हुआ है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं दोस्तों चार्ज होने में। फोन 10 W का चार्जर दिया हुआ है दोस्तों। अगर इसमें थोड़ा सा फास्ट चार्जर कर देते, 22 W का चार्जर दे देते या फिर इसमें टाइप सी दे देते तो ये फोन बेहतर होता, लेने लायक होता। बट इसमें टाइप सी चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर दिया गया, टाइप ए का चार्जर इसमें दिया हुआ है। लेकिन इस बजट के हम लोग बात करते हैं 7-8 हज़ार में तो फिर इसके हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर ये देते तो काफ़ी बेहतर होता फोन। इस फोन की टक्कर का मार्केट में कोई और फोन मिलता ही नहीं। और हम लोग बात करते हैं इसके बैक कैमरे की और फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे में तो दोस्तों फिल्टर लगा हुआ है, मैं आपको साफ बता देता हूं, तो इससे आपका जो चेहरा है फिल्टर वीडियो बनाते वक्त काफ़ी ओवरऑल स्मूथनेस आ जाती है कैमरे में, काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के टाइम पर, फोटो खींचने के टाइम पर। बट अगर हम लोग बैक कैमरे की बात करते हैं तो 8 MP का AI कैमरा दिया हुआ है, बहुत ही कूड़ा है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं। हाँ, नॉर्मल अगर आपको फोटोग्राफी नहीं करनी है तो उसके लिए आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है कैमरा, कि नॉर्मल आदमी है फोटो तो खींच ली, उसने शो ऑफ कर दिया, अरे भाई फोटो खींच दी। बट अब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करते हैं तो उसके लिए कैमरा नहीं सही है, मेरे को समझ में नहीं आया कैमरा। साथ में इस फोन में एक चीज़ मुझे और नहीं मिली
फीचर इसमें मिसिंग है वो इसमें फेस अनलॉक नहीं है। फिंगरप्रिंट तो इसका जो दूसरा वर्जन है 2 प्लस वाला उसमें है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं, बट फेस अनलॉक तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बट फेस अनलॉक नहीं है, सिर्फ आप नंबर वाला इसमें लॉक दे सकते हैं, वही वाला लगा सकते हैं, वही वाला अवेलेबल है। तो ये थी इस फोन की कुछ अच्छाई और कुछ खराबी, किस वजह से ये फोन आपको लेना चाहिए, किस वजह से आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और आपको पसंद आई होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी और खराब से खराब चीजें लेके आते हैं। तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर हम आपको अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी दे देंगे, वहां से आप लोग उन्हें भी देखिएगा, और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए टिल देन एंड जय हिंद जय भारत।